भाई देखो कुछ ऐसा लग रहा है। हेलो एवरीवन, मेरा नाम है सिद्धार्थ और अगर लास्ट व्लॉग नहीं देखा है तो जाके देखो BTS मील चैलेंज। वैसे तो ना मैं वो उसको अकेले नहीं करने वाला था, पर मेरे जो भी दोस्त हैं ना नॉन वेजिटेरियन वो सभी बिजी थे, सो आई एंडेड अप डूइंग इट अलोन। और हाँ, मैं ये कह रहा हूँ कि तुम लोग मेरे को चैलेंजेस दे सकते हो, पर फिर ऐसे चैलेंजेस मत देना यार कि नाक में से पानी डाल के मुँह से निकालो, वो सब नहीं कर सकते यार। वो सब खतरों के खिलाड़ी वाला नहीं हूँ मैं एक नॉर्मल इंसान हूँ, नॉर्मल चैलेंजेस कर सकता हूँ मेरे दोस्तों के साथ भी। और हाँ, आज गिटार में ना मैंने एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ सीखने का ट्राई किया, उसको हार्ट बीट स्टाइल कहते हैं। मेरे को थोड़ा सा भी नहीं आता है, पर एक बार चेक कर लो। देखो आता है, जज मत करना खाली, मेरा आज फर्स्ट डे है। बस कुछ ऐसा स्टाइल है उसका, तो मेरे को आता नहीं है बिल्कुल भी, पर मैंने आज सिर्फ ऐसे सीखने का ट्राई किया। सो आपसे थोड़ा बहुत प्रैक्टिस करेंगे हार्ट बीट स्टाइल को लेके। सनी भैया उनका एप्रोन का जो बटन था वो टूट गया, तो मेरे पास एक एप्रोन पड़ा था, तो मैंने बोला उसका बटन निकाल के लगा दो या तो फिर वही यूज़ कर लो। सो टुडे इज़ 12th of June और अभी प्रियांक के घर पे एक छोटा सा रिकॉर्डिंग करना था, रील पोस्ट करना था मेरे को इंस्टाग्राम पर, तो बस अभी उसी का रिकॉर्डिंग करेंगे। उसके बाद हम लोग करने वाले हैं इस पर कुछ जुगाड़, मतलब आगे वो मोटो व्लॉगिंग का थोड़ा बहुत सेटअप कर रहे थे, हमारे पास अभी होल्डर और वो सब लेने के पैसे नहीं है, तो हम लोग उसको जुगाड़ करके सेलो टेप वगैरह लगा के कुछ ना कुछ करेंगे, तो देखते हो कैसा होगा। सोचो जुगाड़ सोचो। बोलो सेलो टेप चाहिए ना यार? सेलो टेप चाहिए एक तो, सेलो टेप मिल गए। और अभी हम लोग आ रहे थे तो प्रियांक रास्ते में कहानी सुना रहा था यार। मेरे को बोलता है, मेरे को बोलता है ₹1,000 के नुकसान हो गए। मैंने बोला हाँ 1100 का। मैंने बोला कैसे हुआ? तो बोलता है कि कल है ना मैं ऐसे जा रहा था रास्ते से, तो चश्मा यहाँ पे रखा हुआ था तो एकदम फॉर्म में था, तो बोलता है कि एक लड़का मेरे बाजू में से निकला स्पीड में, तो मैं भी उसके ड्रेस लगाने लगा, मतलब स्पीड में निकला। बाद में बोलता है कि ना वहाँ तक आगे तक जाने नहीं दिया मैंने उसको, आगे नहीं जाने दिया। फिर इतनी सी बात है, मैंने लगा क्या तो इसमें नुकसान क्या? बोलता है फिर चश्मा नहीं मिला ना, गिर गया चश्मा, जेब में चश्मा कहाँ गिर गया पता नहीं चला मेरे को। चल कोई नहीं, ये अभी ये सेलो टेप ला दिया है, तो प्रियांक बोल रहा है अभी कुछ परमानेंट सॉल्यूशन करके देगा मेरे को। अब मेरे को ये नहीं पता कि वो मेरा फ़ोन तोड़ के व्लॉग ना आने का परमानेंट सॉल्यूशन बना के दे रहा है या फिर होल्डर का परमानेंट सॉल्यूशन, कोई नहीं, देखते हैं कैसा जाता है। मैं प्रियांक, चलिए शुरू करते हैं। तो भाई यहाँ पे होल्डर बन चुका है, उसमें भी कैमरा के लिए एक सर्कल बनाना पड़ेगा, तो इस काम में सिर्फ हमको लगे ₹30, वो भी सिर्फ सेलो टेप के, बाकी ये कार्डबोर्ड का ये जो बॉक्स था ये तो इसको बस पड़ा ही था, तो अब सिर्फ ₹30 का सेलो टेप गया है, वो भी इसके घर पे नहीं था इसलिए, वैसे मेरे घर पे भी नहीं है। यहाँ पे एक सर्कल लगेगा, बता दे तो खाली यहाँ पे क्यों, वहाँ पे जो कैमरे का जो होता है इतना पोर्शन बस वो, तो देखो यहाँ पे कुछ ऐसा बना दिया, अब यहाँ पे इतना एरिया कट हो जाएगा, फिर वहाँ पे तुम्हारे भाई के फ़ोन का कैमरा लगेगा और वहाँ पे फिर वो मोटो ब्लॉगिंग जैसा तुम्हारा भाई भी करेगा, मतलब मोटो ब्लॉगिंग नहीं, इसमें क्या देखो बाइक में ना मैं एक हाथ से फिर वो नहीं बना पाता क्योंकि एक हाथ से क्लच पकड़ना रहता है और वो सब, तो वो नहीं मज़ा आता, तो ये रहेगा तो क्या थोड़ा बहुत बातचीत भी हो जाएगा। ये तो खिड़की बन गई देखो भाई, टिंग 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 टिंग, खिड़की रख दे ऐसा, खिड़की रख देते हैं बराबर, पर फिर वो हवा की वजह से अगर ऐसे आ गया मेरी सेलो टेप, ये गाइस अभी जो वीडियो हम लोग देख रहे हो आप लोग, वो होल्डर के अंदर डालने के बाद का वीडियो बता देते भाई, पूरा क्रेडिट जाता है इसमें। थैंक यू। तो भाई चलो अब इसको हेलमेट में फिक्स करना है, वो अभी एक लास्ट टास्क रह गया, तो अब देखते हैं कैसा रहता है। अब यहाँ बन रहा है ईयरफोन इंसर्ट करने के लिए जो जैक या पिन जो भी बोलते हैं, वहाँ से जो जगह रहेगी उसके लिए जगह कर रहे हैं, क्योंकि मैं कोई पीछे साइड कोई जगह नहीं जहाँ से मैं बात करूँगा, तो वो ईयरफोन लगा के ही मेरे को बात करना पड़ेगा जब भी मैं वो मोटो ब्लॉगिंग टाइप करूँगा तब, तो बस उसके लिए वो जगह बन रही है। हेलो एवरीवन, मेरा नाम है सिद्धार्थ और आई होप आप लोगों को आवाज़ आ रही होगी मेरी, देखते हैं अभी एक ट्राई करते हैं, नहीं ऐसे तो गिरेगा नहीं, गिरेगा तो नहीं पर वो फिर अगर गाड़ी पे खड्डा है तो गिरेगा फोन। हाँ तो हेलमेट भराना पड़ेगा, सीधा हो जाएगा ना, तो ऐसा नहीं बोल रहा सर, अंदर अगर अंदर कुछ भरा देगा तो रुमाल उमाल या कुछ बांध देगा माथे में, तो उससे का हेलमेट टाइट हो जाएगा। वही तो मैं इसको बोला तो परमानेंट सॉल्यूशन इसका दे तो रहा है, पर इसका और ये मीट अंशु आए बोल चल ये चूतिया है ब्लॉग बनाता है।
BTS वाला तो देखा देखा देखा। अरे मैं नहीं बनाया, मैं बोल रहा हाँ देखा देखा। ये लगा के दे तो भाई पूरा वीडियो बना के आ गया और यहाँ पे आने के बाद मैंने ऑन नहीं किया। मैं एक बार फटाफट जाके आया, देख तो नीचे को दिख भी नहीं रहा यहाँ पे मेरी चप्पल। अभी मैं रोड पे मस्त बातचीत करके आया और अभी बोल चल ही नहीं रहा, अब चल वापस जाके। अब भाई सीट फिर से बहुत ज़्यादा गर्म। ऑन इग्निशन, ये एक छोटा सा रास्ता दिखा दूँ जहाँ पे एक्सट्रैक्शन मूवी अगर किसी ने देखा होगा तो उसका शूट यहीं पे हुआ था। वो सीन मैं सब तो यहाँ पे ऐड कर दूंगा, देख लेना, यहीं पे शूट हुआ था। पर यहाँ से रिटर्न जाते हैं क्योंकि अंदर बहुत ज़्यादा ख़राब हुआ रास्ता भी। यहाँ से अपने अंदर जाते वापस वापस से गाड़ी को वैसे रख देते हैं। गाड़ी गई पहले दिन ही ये हाल है भाई मोटो व्लॉगिंग में तुम्हारे भाई का। आगे के दिन देखते हैं क्या है। गाड़ी गिर गई थी मेरे से। गाड़ी गिर गई थी अभी क्या गिर रहा है तो कितना भी तितर कर ले कुछ नहीं दिखेगा। भी ऊंचा कर रहा है तो सिद्धार्थ अभी गिर के आया है। मैं एक बार ट्राई करने निकला हूँ, ट्राई कर लूँ कैसा लग रहा है। और ऐसा चलाने में कोई दिक्कत तो नहीं है, हाँ वेट भी नहीं है इसका तो इतना कोई दिक्कत वाला काम नहीं है। खाली खड्डों में थोड़ा संभालना पड़ेगा ताकि खड्डों में क्या है फ़ोन हिले नहीं, फ़ोन हिलेगा तो वीडियो बराबर आएगा नहीं, बाकी तो दिक्कत नहीं है। मेरे को मुंह सीधा रखना पड़ेगा। मेरी चाबी कहाँ गई? चाबी लाओ भाई चाबी। चलो भाई हेड अंशु आने दो नहीं चाहिए चप्पल खाँगी है इसको टो करूँगा खाली। ये प्रियांक की गाड़ी अभी टो करनी है। चलो भाई आजा आजा तेरे को मैं टो कर देता हूँ। चलो तो फिर है ना फोन कर। चलो हाँ चलो भाई क्या तू क्या करने आया है? हाँ तो डलवा देते हैं। जुगाड़ कैसा लग रहा है भैया? कैसा लग रहा है अंदर कैमरा है? सब अच्छा लग रहा है ना? यहाँ पे होना चाहिए यहाँ पे और ऊपर भी लगवा देंगे वरना इसका स्टैंड आता है ना। हाँ स्टैंड आता है पर इतना पैसा नहीं है भैया हमारे पास। हम लोग जुगाड़ किया माइकर लोग नहीं लगा इसलिए जुगाड़ किया हमने। अच्छा लग रहा है, अच्छा लग रहा है ना। तो भाई अभी मैं दिख रहा हूँ होगा। चलो भाई अभी प्रियंका पहले हमने गाड़ी का ऑयल चेंज करवा दिया है और पेट्रोल भी डलवा दिया है। अभी मैं धीरे इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि पीछे सब सो रहे होंगे। चल भाई बाय 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 धूम धूम बाय सर चढ़ी है धूम धूम। ये एरिया में आता हूँ ना मेरे स्कूल की याद आ जाती। मैं तुमको एक बार फटाफट मेरी स्कूल दिखा देता हूँ। हालांकि मेरे को जाना था पीछे वाले रस्ते थे पर मैं तुमको मेरी स्कूल दिखा दूँ एक बार। स्कूल मतलब है स्कूल बोलते हैं यार एक अलग ही इमोशन जुड़ा हुआ है यार। अभी जो हेलमेट में मैंने ये माउंट कर दिया है तो अच्छा ऐसी बात है मेरी एक अच्छी आदत भी लग जाएगी कि मेरे को हेलमेट पहनना चाहिए रेगुलरली। यहाँ पे हम लोग साइकिल पार्क करते थे ऐसा लग रहा है भाई देखो होल्डर। और गाड़ी मैंने इग्निशन ऑफ कर दिया है तो अब घर वालों का रिएक्शन देखते हैं कैसा होगा। मतलब घर में कोई है नहीं, नानी और दीदी है। चलो टन टन हाउस माय न्यू गिटार होल्डर। अरे सॉरी गिटार होल्डर नहीं बेल्ट में। हां टन टन करना बंद बेल्ट में किसी से बात कर रहे तो कैसा लग रहा है? ये देख प्रियांक ने बना के दिया है इसको। मैं ना यानी गाड़ी चलाते टाइम बात कर सकता हूं। तू ऐसे आया? हां ऐसे आया क्यों?
लोगों ने देखा नहीं था, लोग ही लोग देख रहे थे, लोग देख ही रहे थे, लोग और कुछ कर ही नहीं रहे थे, लोग देख ही रहे थे। देखो कुछ ऐसा लग रहा है पर अच्छा लग रहा है। अभी देख वो कितना महंगा आता है ये, तो फिर तू हंस रही है यार, तू मेरे पे हंस रही है। ഇത് ഗിറ്റാറാ വലിയമേ, എൻ്റെ തലയിൽ ഇരിക്കുന്നില്ല, അത് ഗിറ്റാറാ. ഇതിനെ ഇങ്ങനെ വായിക്കണം, ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ വായിക്കണം, തബലേനെ പോലെ.